अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, अब मैं करने लगा हूँ अनबॉक्सिंग ओपनिंग ऑफ रेडमी बैंड। तो ये मैंने मंगवाया था शियोमी स्टोर से। ये हो गया जनाब मेरा रेडमी बैंड। चीनी जबान में लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस। चलो इसे खोल के देखते हैं। वैसे मैं इतना कोई शौकीन नहीं हूँ रिस्ट वॉचेस का, लेकिन दिल कर रहा था इस दफ़ा कुछ लेने का जो रेडमी से, जो शियोमी से रिलेटेड होगा। फ़िलहाल तो इसमें से एक ये बैंड निकला है, इसकी दूसरी साइड पर देखते हैं कुछ है कि नहीं है। साथ इसके ये मैनुअल है। चलिए मैनुअल देखते हैं पहले कि मैनुअल में क्या है। वो तो सारा चीनी जबान में। चलो गूगल ट्रांसलेट हमें फ़ायदा दे सकता है अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। सब कुछ ही चीनी जबान में, वाजिब है, क्या बात है। QR कोड है इसके अंदर। और ये आ गया बैंड। चार्जिंग के लिए इस साइड से, जो जिस साइड पे ये साइड है, इस साइड से ये बाहर निकल आता है। और अभी ये चार्ज नहीं है तो इसे चलें चार्जिंग पे लगाते हैं थोड़ी देर और फिर इसे इस्तेमाल करेंगे। डिवाइस को चलाने के लिए पहले हमें इसका ऐप डाउनलोड करके इसे मोबाइल के साथ पेयर करना होगा। तो ऐप हम इस QR कोड पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं ज़रा डाउनलोड करता हूँ इतनी देर में। इसको मैंने ऑन किया, इसमें ये है चीज़ें सामने आ रही हैं। पेयरिंग का क्या ही कह रहे, लेकिन इस पेयरिंग के बावजूद ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो जनाब ये मैंने सक्सेसफुली इसे पेयर कर लिया। इसके पेयर किए बगैर, जो मोबाइल है उससे पेयर किए बगैर इसमें इस ये ऑन नहीं होता, वर्किंग नहीं होती। बहुत सारे तरीके थे लोगों ने लिखे हुए थे पेयरिंग करने के लिए। किसी ने लिखा हुआ था पहले दूसरे मोबाइल पे पेयर करें वहाँ पे हो जाएगा, फिर वापस आके इस ओरिजिनल मोबाइल पे पेयर करें। किसी ने लिखा हुआ था कि मोबाइल रीस्टार्ट करें। इसके अलावा इसके लिए ऐप्स भी थे, मी फिट ऐप है, एक शियोमी वियर ऐप है, ये सारे ऐप भी हैं इसके। तो मी फिट ऐप है और शियोमी वियर ऐप है जो इसकी पेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने दोनों ऐप्स के थ्रू ट्राई किया लेकिन कनेक्ट हो नहीं रहा था। फिर शियोमी वियर ऐप है, वो जो QR कोड था हमारे पास उसके ज़रिए, शियोमी वियर ऐप के ज़रिए कनेक्ट होना चाहिए था, तो वो मैंने कनेक्ट किया। फिर एट लास्ट एक चीज़ काम आ गई। उसमें शियोमी वियर ऐप के अंदर सेटिंग्स में आप लोग जाएंगे तो कंट्री पाकिस्तान के बजाय चाइना का सेट किया। जब वो सेट किया तो ये एक पेयरिंग हो गई और इसकी अपडेट हो गई। अब ये जनाब आपके सामने है और इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, ये टाइम आ रहा है, इसके अलावा ये स्टेटस है, स्टेटस में स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरीज आ रही हैं हमारे पास। और इसके अलावा इसमें टाइम सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप लोग अगर बैठे रह जाएंगे तो ये बताएगा कि ज़्यादा देर बैठे रह गए आप लोग। स्टेटस है ये जो इधर कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलर इस तरह से नहीं है, ये अब जो हार्ट रेट है इसके ऊपर सुर्ख कलर का आइकन सा बना हुआ है, ऊपर स्टेटस के लिए ये ब्लू कलर का। बहरहाल ये हार्ट रेट नज़र आता है, हार्ट रेट के लिए वो कहते हैं तकरीबन हाथ से एक उंगली के फासले पे यहाँ पे पहना दें और फिर हार्ट रेट BPM ये चेक हो जाएगा। हार्ट रेट है, इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज का ऑप्शन है, आउटडोर रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ऊपर इनडोर रनिंग और आइडल टाइम। और वेदर है, वेदर में एयर क्वालिटी एक्सीलेंट, रावलपिंडी का आ रहा है 32। फिर इसमें टुमारो इस तरह है, टुमारो सैटरडे, बहुत सारे दिनों का आ रहा है जनाब। वेदर नोटिफिकेशंस हैं जो डाल सकते हैं इसमें। और मोर के ऑप्शन में DND डिसेबल्ड, अलार्म क्लॉक है, थीम है, म्यूजिक, स्टॉपवॉच, काउंटडाउन, फाइंड माय फोन,
और ये अली पे, और फिर से हम लोग वापस आ गए टाइम पे, डेट टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, और चेक करते हैं मेरा BPM। इन्होंने कहा है कि हाथ को स्टिल रखें, एक उंगली के तकरीबन फासले पे रखें, और अब चेक करते हैं BPM मेरा कितना है। BPM 107। तो ये था जनाब Redmi की अनबॉक्सिंग, Redmi Band 4C। ये कुछ पुरानी डिवाइस है, लेकिन क्योंकि मैं घड़ी पहनने का इतना शौकीन नहीं, अभी ये मैंने ले लिया, तो इसलिए मेरे लिए पुरानी डिवाइस भी चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे प्रोजेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं Patreon पे, और बहुत शुक्रिया।